इतनी ठंड में धूप का मजा आप ले सकते हैं, लेकिन जोश नहीं है। भारत माता की मंच पर सीना परम सदय माननीय रामलाल जी, संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी MOSPMO, मंच पर आसीन हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेंबर पार्लियामेंट शमशेर सिंह जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष MLC अशोक खजूरिया जी, मंच पर आसीन जम्मू कश्मीर सरकार में हमारे मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, वाली भगत जी, श्याम चौधरी जी, गणी कोहली जी, प्रिया सेठी जी, सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन महामंत्री माननीय अशोक कोल जी, मंच पर असीन हमारे पार्टी के तीनों महामंत्रीगण नरेंद्र जी, पवन जी, हरिंदर गुप्ता जी इस बैठक में उपस्थित, शक्ति प्रमुख, शक्ति केंद्रों के प्रमुख, हमारे पार्टी के प्रमुख पदाधिकारीगण, कार्यकारिणी के सदस्य, मंत्रीगण, MLAs, MLCs, वाइस चेयरमैन, मेरी माता शक्ति, दोस्तों, साथियों, सबसे प्रथम तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं माननीय रामलाल जी का, जिनका मार्गदर्शन हमें सदा से मिलता है और उनके ही आह्वान पर, क्योंकि हम लोग चाहते थे जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार से भू सम्मेलन किए, हम लोग चाहते थे कि बहुत बड़े बूथ सम्मेलन के माध्यम से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आना हो, प्रधानमंत्री जी का आना हो, लेकिन उन्होंने हमें ये सुझाव दिया कि क्या प्रदेश भर में कभी शक्ति केंद्रों प्रमुखों की बैठक हुई है। मैंने भी पीछे ध्यान में लाया, लेकिन मेरे ध्यान में कभी नहीं आया कि हमने कभी शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक की है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के इतिहास में इस मात्रा में शक्ति केंद्र प्रमुख, और हर बार हम बूथ एजेंट्स का लगातार से कार्यक्रम करते हैं, और मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जम्मू प्रोविंस में हमने इसकी शुरुआत की है। 90 से भी ज्यादा बूथ सम्मेलन दोस्तों हम सब जो है वो कर चुके हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, पूरी टीम को, क्योंकि इनके माध्यम से ये संभव हो पाया। लेकिन कभी शक्ति केंद्र प्रमुख हम सोच तो सकते हैं, हालांकि केंद्र की तरफ से ये लगातार आह्वान रहता है, वन बूथ यानी यूथ, और उसके बाद वन बूथ 20 यूथ, यानी हर समुदाय से, हर रीजन से, हर कास्ट से हमारे महिला शक्ति, हर मोर्चों से संबंधित हमारे इसमें कार्यकर्ता रहे। लेकिन कभी भी हम लोग ये सोच नहीं सकते कि हम शक्ति केंद्र हारेंगे। मुझे याद है, मैं अपने ध्यान में भी लाना चाहता हूं कि मैंने चुनाव में एक बूथ हम लोगों ने हारा था, लेकिन शक्ति केंद्र हम लोगों ने नहीं हारा था। कभी ऐसी बात आ सकती है कि कोई ना कोई पर्टिकुलर बूथ, हालांकि पार्टी की तरफ से लगातार ये बात आती रहती है कि बूथ जीता यंग जीती, यानी हर एक बूथ को, लेकिन ये भी अगर हम लोग तय कर दें कि हम कोई शक्ति केंद्र वाले सारे शक्ति केंद्र प्रमुख और उनको चलाने वाली टीम हमारे मध्य में है, तो मेरा मानना है कि एक सम मिलकर एक संकल्प कर लें कि पार्टी सबसे पहले तो प्रथम कोशिश करेगी कोई बूथ नहीं हारना, लेकिन उसके बाद ये संकल्प करके कि कोई शक्ति केंद्र भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं हारेंगे, यहां से आह्वान करके जाना है। शमशेर सिंह जी ने अपनी बात रखी शक्ति केंद्रों को लेकर के 3, 4, 5 और शहर में जो शक्ति केंद्र ग्रामीण में 3, 4, 5 बूथ को लेकर, जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि आज शक्ति केंद्र प्रमुखों की भूमिका क्या है, लगातार से जिस तरीके से हम सब जानते हैं
कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महामंत्री संगठन जी के माध्यम से हर कार्यकारिणी में कोई ना कोई बात जो है एक ऐसी बात जिसको आम कार्यकर्ता तक नीचे स्तर तक पहुंचाना जरूरी है। और ये काम मित्रों तभी हो सकता है क्योंकि सबसे नीचे की इकाई भारतीय जनता पार्टी की हमारी बूथ की इकाई है और एक ऐसी इकाई जो काम करने वाली है, सशक्त है। इसी पर बैठने वाला हमारा हर नेता जो है वही सेनापति होता है क्योंकि पार्टी के लिए, संगठन के लिए, उसके साथ साथ सरकार बनाने के लिए भी जो युद्ध लड़ा जाता है, जो अंतिम युद्ध लड़ा जाता है वो इसी सेनापति के माध्यम से लड़ा जाता है। आज वही चार पांच बूथ, किसी जगह पांच होंगे, किसी जगह चार होंगे, किसी जगह छह भी हो सकते हैं, लेकिन इन बूथों के अध्यक्षों का एक सर्वोपरि जो एक नेता उनको देखे, शक्ति केंद्र प्रमुखों के नाते मित्रों आज जरूरत है। जो जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान के बाद, माननीय रामलाल जी के आह्वान के बाद पार्टी के कार्यक्रम, और मेरा मानना है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद प्रदेश की कार्यकारिणी, उसके बाद जिला की कार्यकारिणी, फिर मंडल की कार्यकारिणी, और उन मंडलों में वही हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख जो है वो मेंबर्स होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, उनके माध्यम से बूथ स्तर पर हमारी बातचीत पहुंचे। मित्रों इसी को लेकर आज का ये कार्यक्रम रखा गया है और मेरा मानना है कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, महामंत्री जी का एक आह्वान है कि पार्टी के छह त्योहार जिनके बारे में मैं लगातार ये कोशिश करता रहता हूं कि आप लोगों के ध्यान में आए, क्योंकि बहुत बार भी ध्यान में लाने के बाद भी, और ये कोई ऐसा त्योहार नहीं है जो हमारा हम लोग मनाते हैं कि हमारे ध्यान में ना रहे, हम सब मनाते हैं, लेकिन फिर भी जब ध्यान में लाने वाली बात होती है तो कहीं ना कहीं हम ध्यान भटक जाता है। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, भारतीय जनसंघ के रूप में जिसकी शुरुआत, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक स्वरूप लेकर हम सब जानते हैं कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, 19 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसके हम सब कार्यकर्ता हैं, उसके स्थापना को लेकर हमारे निचले स्तर पर सभी लोगों के बीच में कब इस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। 14 अप्रैल को हम सब इसको समरसता दिवस के रूप में मनाते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन, और हम सब जानते हैं कि गणतंत्र भारत का पहला संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा गया, और उनके इस जन्मदिन को हम सब समरसता दिवस के रूप में मनाकर इस महान हस्ती को 14 अप्रैल को हर बूथ स्तर पर याद करें। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस, एक ऐसे महान नेता, भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष, और जिनके समय में, अगर वो चाहते उस समय में कांग्रेस की सरकार में पहले मंत्री, जब आजाद भारत की पहली सरकार बनी थी उसमें मंत्री थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं इस देश के हित में कभी बात नहीं करते, एक अलग पॉलिटिकल पार्टी की रचना उन्होंने की भारतीय जनसंघ के रूप में, जो उस समय की विपक्ष स्थापित करने वाली पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में एक बड़ी पार्टी उभर चुकी है। उनका बलिदान इस जम्मू कश्मीर के लिए हुआ, कश्मीर में उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके इस जीवन के बारे में हमारे कार्यकर्ताओं को नीचे हर बूथ के ऊपर इसकी जानकारी हो, हर बूथ के ऊपर कार्यक्रम 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की का जन्मदिन हम सब मनाते हैं, पिछली बार हमने उनकी जन्म शताब्दी भी मनाई, उस महान इंसान जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी यहां पर पहुंची है, उस महान विभूति का जन्मदिन भी हम हर बूथ के ऊपर मनाए। हमारे एक नेता पंडित प्रेमनाथ डोगरा, 24 अक्टूबर को जिनका हम जन्मदिन खेल कूद के रूप में मनाते हैं, ऐसे महान नेता भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे, प्रजा परिषद का जो आंदोलन लड़ा गया मित्रों उनकी अध्यक्षता में लड़ा गया,
उनके इस जन्मदिन को भी हम सब अपने भूत स्तर पर मनाए। और मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं, जितने भी हमारे प्रमुख यहां पर बैठे हैं, कि इस बार प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो छठे त्योहार के रूप में हम सब मनाते हैं, उनके त्योहार को लगभग हमने कोशिश की। और मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि आप सबके माध्यम से इस बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन जो था हर बूथ स्तर पर, लगभग हर बूथ स्तर पर जो मनाया गया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, देश के प्रधानमंत्री जी की मन की बात मुझे आज वाकई अच्छा लगा। हम लोग भी कोशिश करते हैं, क्योंकि लगभग 5 मिनट कम 11 हम लोग एयरपोर्ट से निकले, लेकिन महामंत्री संगठन माननीय रामलाल जी ने कहा कि कहां हम बैठ कर, क्योंकि हम लोग वहां पहुंच नहीं पाएंगे हाल में। उन्होंने मुझसे पूछा कितना समय लगेगा, जब मैंने कहा कि 25 से 30 मिनट लगेंगे, तो उन्होंने कहा कि घर किसका नजदीक है, तो मैंने बताया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का घर नजदीक है। इन्होंने कहा कि वहां चलकर देश के प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनेंगे। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी के, और खासतौर पर राष्ट्रीय पदाधिकारियों में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बाद जो महामंत्री संगठन का दर्जा होता है, वो भी देश के प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनने के लिए चिंतित है कि समय पर मैं कहां पहुंच पाऊं। जहाज लेट होने के कारण, लेकिन मैं धन्यवाद दे देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से मुझे भी, हालांकि हम लोग यहां पहुंच नहीं पा सकते थे, लेकिन अच्छा लगा कि यहां पर बैठकर हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, और ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। आज अगर बूथ स्तर पर हम देश के प्रधानमंत्री जी की बात सुनना चाहते हैं, मुझे तो यह भी बड़ा आश्चर्य लगा कि इस बार असेंबली में एक अलगाववादी तो नहीं कहूंगा, चूंकि चुनकर तो सीधे एमएलए भी आए हैं वहां पर, वो एक हमेशा से कभी देश के विरोधी बात करते हैं, आज वो भी देश के प्रधानमंत्री जी की मन की बात कर रहे थे, रशीद इंजीनियर। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कम से कम इस विधायक को इतनी समझ आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ना है तो मन की बात को अवश्य सुनना। और अच्छा लगता है कि जब देश के प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहते हैं, और ये आपके उनके अपने मन की बात नहीं होती, आम जनता के बीच में रूबरू होकर आम जनता की कही गई बातें। और अच्छा लगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी कश्मीर का जिक्र बार बार आता है, हमारे रियासी का भी जिक्र जो है एक आध बार आया, उसके बाद कठुआ का भी जिक्र जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से जिस तरीके से अनुपात बढ़ा है, और आज विश्वभर की देशभर की उन्होंने बेटियों को आज मन की बात में याद किया। मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो अंतिम संडे का ये जो समय है, इसके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री जी के साथ जुड़ चुके हैं। इसके लिए दोस्तों, आप सबको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी घर में चले जाएं, लगभग कोई भी घर आप चुन लें, उस घर में 11 से लेकर 11:30 का बीच का जो समय होता है, सबने मन की बात के लिए आवंटित करके रखा होता है। हम अपने अपने बूथों के ऊपर जितने भी शक्ति केंद्र प्रमुख है, हम सब मिलकर वहीं पर किसी भी कार्यकर्ता के घर में, किसी भी सिंपथाइजर के घर में, अगर हमारा पार्टी का सिंपथाइजर नहीं भी है, वोटर है सीधे तौर पर, तो उसके साथ भी उनके घर में बैठकर हम लोग बूथ स्तर पर देश के प्रधानमंत्री जी की बात सुन सकते हैं। और मात्र एक साल में 18 बार भी अगर हम लोग बूथ के ऊपर जा सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक पार्टी के विस्तार के लिए एक अच्छा कार्यक्रम हम सब जो है वो देख सकेंगे। मात्र मुझे आज के दिन में इतना ही कहना था, लेकिन जिस तरीके से पंचायत इलेक्शनों को लेकर, लोकल बॉडीज के चुनावों को लेकर जिस तरीके से एक वातावरण बना है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी ये नहीं सोचती कि एक तरफ सरकार चल रही है तो सरकार पार्टी जो है वो चलाएगी, पार्टियों के कारण है मित्रों सरकार बनती है। और जिस जहां भी हम जाएंगे, जहां जहां भी हमारे बूथ सशक्त होंगे, जहां जहां भी हमारे शक्ति केंद्र
प्रमुख जो है वो सशक्त होंगे। वहां पर मित्रों कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी 19 प्रदेशों में अपनी या तो गठबंधन सरकारों के साथ है या अपने मुख्यमंत्रियों को आगे लेकर चल रही है, केंद्र में लगभग 2/3 बहुमत के साथ, और जिस तरीके से हम सब ने सर्वेक्षण देखा है, ये मित्रों सभी बूथ प्रमुखों के कारण है, शक्ति केंद्र प्रमुखों के कारण और आप सब कार्यकर्ताओं के कारण है। मैं माननीय रामलाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अपने व्यस्तम समय से हमें समय दिया और हमारे बीच में आकर आपका मार्गदर्शन जब हमें मिलता है तो एक नई स्फूर्ति का संचार होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी।